हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लगन नगर विकास एवं आवास विभाग के बारे में। तो दोस्तों, नगर विकास और आवास विभाग में एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है और 125 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ज्वाइनिंग हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं कि नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से एक लेटर जारी की गई है जिसमें राज्य के सभी नगर निकायों में नागरिकों को RTPS काउंटर की सेवा उपलब्ध कराने के लिए 276 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की मांग बेल्ट्रॉन से की गई थी और बेल्ट्रॉन के द्वारा भी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को सेवा उपलब्ध कराई जा रही है और इसी क्रम में बेल्ट्रॉन के माध्यम से दिनांक 19/10/2022 को सेवा में उपलब्ध कराए गए 125 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को नियुक्ति मिल गई है और उनके लिए भी 5 अंकित नगर निकायों में नियोजित पदस्थापित किए गए हैं और उनके द्वारा बेल्ट्रॉन के द्वारा 125 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ज्वाइनिंग नगर विकास एवं आवास विभाग में कराया गया है और अभी 151 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ज्वाइनिंग और होने वाली है ताकि आपकी RTPS काउंटर चालू हो सके और वहाँ पर लोग वर्क कर सकें। तो दोस्तों, जिन डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ज्वाइनिंग हुई है उनके यहाँ लिस्ट में नाम दिए गए हैं, उनके सभी नाम, फादर्स नेम, एम्प्लॉय ID और वो किस डिस्ट्रिक्ट में उनकी ज्वाइनिंग हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 125 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ज्वाइनिंग कराई गई है। बिहार के 3800 डिस्ट्रिक्ट में 125 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को भेजा गया है ताकि RTPS काउंटर सुचारू रूप से चल सके और जितने भी नगर निकाय हैं, राज्य के जितने भी नगर निकाय हैं, वहाँ काम आसानी से हो सके और लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए भी और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की आवश्यकता है। 151 और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ज्वाइनिंग होने वाली है। टोटल 276 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की मांग की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनके लिए कुछ शर्त यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर दिया गया है कि जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं ना तो वह बेल्ट्रॉन के कर्मी होंगे और ना ही सरकारी कर्मी होंगे, सिर्फ वह सर्विस प्रोवाइडर के रूप में यहाँ पे काम करेंगे। और दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि अगर उनके प्रकार किसी भी प्रकार के दुराचार और कर्तव्यहीन पाया गया तो उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि बेल्ट्रॉन के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त होती है तो उन कर्मियों की भी सेवा स्वतः समाप्त हो जाती है और फिर से बेल्ट्रॉन उनकी ज्वाइनिंग कराने के लिए प्रयास करेगी। दोस्तों, यहाँ आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पे आपको क्या सैलरी होगी, क्या आपको कट के मिलेगा। टोटल यहाँ पे सैलरी आपकी 25,540 रुपये होगी, लेकिन यहाँ पे GST CGST और GST टोटल कट के आपको 17,057 रुपये मिलेंगे जो आपके पर वर्ष 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों, एक बार आपकी ज्वाइनिंग होने से पहले ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपका नियुक्ति पत्र होता है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है और इस इन्फॉर्मेशन को आपको सही ढंग से पढ़ लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी आपकी सैलरी होगी वो ERP माध्यम से ही मिलेगी आपको और ERP माध्यम में ही आपको अपलोड करके ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट कर दी जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी जो ज्वाइनिंग हो रही है वो 60 वर्षों के लिए ही होगी। अगर आप 60 वर्षों से पहले किसी भी कारणवश आपको विभाग से निकाल दिया जाता है तो अब आपकी ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन के द्वारा कराई जा सकेगी 60 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों, आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो दी गई है, यहाँ पे आपको साफ साफ ज्वाइनिंग करते वक्त पढ़ लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 276 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की मांग की गई थी जिसमें 125 डाटा एंट्री ऑपरेटरों का यहाँ पे योगदान कराया गया है और तत्काल अभी उन्हें पदस्थापित भी कर दिया गया है, लेकिन फिर से जो बचे हुए शेष डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो दोस्तों, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके ज्वाइनिंग से रिलेटेड है। जब आपकी ज्वाइनिंग होने वाली होगी तब आपको अपॉइंटमेंट लेटर के लिए उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स ली जाएंगी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे देने होंगे उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के पासबुक और आपको जो रजिस्ट्रेशन के वक्त जो फॉर्म फिलअप हुआ था उस फॉर्म को और चालान आपको जमा करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और इसके ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों आप लेकर जाएंगे तभी जाकर आपको उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन की ओर से अपॉइंटमेंट लेटर कलेक्ट कर पाएंगे। और उस अपॉइंटमेंट लेटर को आपको सही ढंग से पढ़ना है कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और
ए टू जेड लाइन को आपको पढ़ना है और समझना है क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें है और क्या कुछ आपको करना भी है। और दोस्तों आप अपने काम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन किसी सहायक से मांग सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।